और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी ने अब एक बार फिर से टिकट दिया गया है पार्टी की तरफ से। उन्होंने पत्रकार वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कालका विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद है। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हम कालका और पंचकुला विधानसभा सीट जीतकर पार्टी की झोली में डालेंगे। आम आदमी पार्टी अपनी खुदकशी करना चाहती है इस प्रकार से, तो उसकी इच्छा है वो, क्योंकि अगर वो हारी हुई सीटें लेकर के चुनाव लड़ने के अंदर जाना चाहती है तो आम आदमी पार्टी का जो स्थान है या जो हरियाणा प्रदेश के अंदर अस्तित्व है वो कहीं कांग्रेस पार्टी से तो ज़्यादा है नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जीत के आ सकती तो फिर वो आम आदमी पार्टी कैसे जीतेगी? और वो फिर आम आदमी पार्टी सारी की सारी सीटें हारने के लिए लेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको शायद जानकारी थोड़ी सी नहीं, कुछ जो स्पोर्ट्स थे वो बंद किए गए। नहीं नहीं, बंद नहीं किए गए, शुरू किए हमने। देखिए सबसे पहली बात, एक साल पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने मोरनी को डिवेलप करने के लिए सबसे जो पहली जरूरत समझी वो थी सड़कों का चौड़ीकरण। सिंगल रोड थी, आज डबल रोड, फोर लेन रोड वहाँ पर बनी है। 200 करोड़ रुपया केवल मोरनी की सड़कों के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल सैंक्शन किया और आज वो सड़कें जो हैं वो चौड़ी होकर के बहुत अच्छी ट्रैफिक वहाँ पर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास शक्ति रानी शर्मा जी में जताया है और मैं उनका बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं पार्टी का। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि कालका की जनता का की जो भी दिक्कतें और समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे और कालका को जो उनका हक है वो दिलवाने का काम करेंगे, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हों, चाहे कालका को एक अट्रैक्टिव टूरिज्म हब, कालका पिंजौर मोरनी इस पूरे इलाके को बनाने की बात हो, चाहे उद्योग लाने की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे नशा ख़त्म करने की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात हो, इन सब मुद्दों को लेकर, चाहे पानी की बात हो, जैसे अम्बाला के अंदर नहर का पानी लाने का काम पंडित विनोद शर्मा जी ने किया था अपने कार्यकाल के अंदर, ये सब मुद्दे हैं जो बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं कालका क्षेत्र के, जिनका समाधान होना चाहिए। और बहुत सबसे पहले तो मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि कालका हलके से उन्होंने मुझे रिप्रेजेंटेशन दी है और बहुत बहुत उनका धन्यवाद, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और पूरी पार्टी का धन्यवाद। और आगे के लिए जैसी भी रणनीति पार्टी बनाएगी उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे और जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे क्षेत्र के उसको पर अच्छी तरह से